हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राधिका, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक ट्यूटोरियल। ये बहुत ही ज़्यादा इजी एंड अफोर्डेबल मेकअप ट्यूटोरियल है। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। सो गाइस, मैंने ये ओवरऑल लुक ओनली 5 प्रोडक्ट से क्रिएट किया है जो कि लैक्मे के हैं, यानी कि मैंने सारे प्रोडक्ट लैक्मे के ही यूज़ किए हैं। सो गाइस, ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग मेकअप, मैंने अपनी फेस को नरिश करने के लिए मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है। तो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट नंबर है लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। इसमें इस तरह का आपको अप्लीकेटर मिलता है जिसकी हेल्प से आप डॉट करके अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह से। और इसको मैं अपने फोरहेड, चीक्स एंड नेक सब जगह अप्लाई करूँगी। आपको सारा फेस कवर करना है। उसके बाद मैं एक टाइम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। गाइस, इसे ब्लेंड करना बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। आप इसको बहुत ही लाइटली हैंड से अपने फेस पर ब्लेंड करिएगा, बहुत ही ज़्यादा हार्श नहीं करिएगा। और ब्लेंडिंग करने में थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका फाउंडेशन सेट होगा। और गाइज, इसमें मेंशन है कि फुल कवरेज फाउंडेशन है, बट ये इतना अच्छा कवरेज नहीं दे रहा है मेरे फेस को। अगर आपको इससे ज़्यादा कवरेज चाहिए होगा तो आप सेकेंड लेयर लगा सकते हो। और आप एक चीज़ का हमेशा याद रखें कि कभी भी फाउंडेशन को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे अप्लाई ना कर अपने फेस पर। आप उसको 2 या 3 बार अप्लाई कर सकते हो थोड़ा थोड़ा ले करके, जिससे आपका फेस बिल्कुल भी क्रैक ही नहीं होगा। तो अब मेरा सेकेंड प्रोडक्ट है लैक्मे का फेस कॉम्पैक्ट पाउडर। देख सकते हो कि आप ये मोस्टली क्या ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बीच का दिख रहा है नीचे का। और इसको मैंने अपने ओवरऑल फेस पर अप्लाई किया है, जहाँ जहाँ पर फाउंडेशन लगाया है। ये आपके फाउंडेशन को अच्छे से सेट करता है, एंड समर टाइम में आपको अपने फाउंडेशन और बेस को सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इतना कंप्लीट करने के बाद मेरा थर्ड प्रोडक्ट है लैक्मे आइकॉनिक काजल। सो सबसे पहले मैं इसे अपनी लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी, देन मुझे नीड होगी तो मैं अपर लाइन पर बहुत ही हल्का सा अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पर कोई भी आईलाइनर अप्लाई नहीं करूँगी, सो इसको मैं एज ए आईलाइनर भी अप्लाई कर सकती हूँ। गाइज, अगर आप अपने फेस पर कुछ नहीं करते, एक सिंपल सा आईलाइन ड्रॉ कर ले दो तो भी आपका लुक बहुत ही चेंज नज़र आता है। सो मैं इसको बहुत ही पतली लाइन ड्रॉ करूँगी अपनी एज अ आईलाइनर, और आप देखेंगे कि कितना डिफरेंट लुक लगेगा। तो अगर आपके पास आईलाइनर नहीं है तो आप इस तरह से लुक क्रिएट कर सकते हो। और मैं इसे अपनी फिंगर के हेल्प से अच्छे से स्मच कर लूँगी, जिससे लाइन भी आपको समझना है और थोड़ा सा अलग लुक लगे। तो ये देख सकते हो आप कितना ही डिफरेंट लुक लग रहा है। तो इसको मैं सेकेंड आईज पर भी इसी तरह अप्लाई कर लूँ। गाइस, जब आप इस तरह से अपने काजल को ब्लेंड करते हो, स्मज करते हो, तो ये आपकी आईज़ को एक स्मोकी लुक देता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। मेरा प्रोडक्ट नंबर 4 है मस्कारा, एंड मस्कारे के लिए मैंने यहाँ पर लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा इस्तेमाल किया है। ये ब्लू कलर का है। सो गाइस, ये मस्कारा आपकी आईज़ को एक बहुत ही अच्छा लुक देता है, एंड ये एक तरह का कलर ऐड कर देता है, जिससे आपकी आई लैसेस बहुत ही थिक एंड ब्यूटीफुल नज़र आ रही हैं। गाइज, अगर आप अपने आईज़ पर कुछ भी अप्लाई नहीं करते, सिंपल सा इस तरह का मस्कारा अप्लाई कर लेते हो तो भी आपकी आईज़ काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आएंगी। सो गाइज, मेरा लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट है ये लैक्मे का छोटू सा लिप क्रियोन्स। ये पीची कलर का है। इसे मैं एज अ ब्लशर, आई शेडो एंड लिपस्टिक तीनों चीज़ों के लिए अप्लाई करूँ। ये लिप क्रियोन्स बहुत ही क्रीमी है, जो बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाएगा। सो गाइज, अगर आपके पास भी ब्लशर या फिर आई शेडो नहीं है, या फिर आप कहीं ले जाना भूल गए हो, तो आप लिपस्टिक की हेल्प से इस तरह से लुक क्रिएट कर सकते हो, जो कि बहुत ही इजी एंड बहुत ही क्विकली हो जाएगा और बहुत ही आसानी से ब्लेंड भी हो रहा है मेरी आईज पर।
सो गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक जो कि बहुत ही जल्दी हुआ है और ओनली 5 प्रोडक्ट से मैंने ये ओवरऑल लुक अपना क्रिएट किया है। आई होप गाइज आपको मेरा ये लुक पसंद आया हो और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। सो गाइज अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।